सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोसार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल जाए मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ASUS ZenFone Pro Max M1 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। प्राइस क्या हो सकती है इस मोबाइल की, क्या क्या प्राइस है इसकी मोबाइल की, क्या स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है साथ, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सब इस इंट्रो के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको 5.99 इंचेस का फुल HD प्लस वाला IPS डिस्प्ले मिलेगा जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है, लेकिन ये कोई वर्जन स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि इसके ऊपर 3, 4, 5 कौन सा गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है। बस कंपनी की तरफ से ये बताया गया कि इसमें गोरिल्ला ग्लास है, ये कन्फर्म नहीं किया गया है कौन सा वर्जन है। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 वाला ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक न्यू लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में मिलता है। तो ये सेकंड मोबाइल हो गया जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर मिलता है। अगर बात करते हैं GPU की, तो इसमें Adreno का 509 वाला GPU मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा GPU और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर से और काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स और गेमिंग का परफॉर्मेंस आपको इस GPU से मिल जाएगा। अगर बात करते हैं कैमरास की, तो 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है जिसमें आप 4K रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं और 5MP का जो कैमरा है वो आपको ब्लर वाले इफेक्ट के लिए दिया गया है कि आपके जो पीछे ब्लर है, अगर बैकग्राउंड जो ब्लर हो जाता है उस चीज़ के लिए दिया गया है 5MP का कैमरा। अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F2.2 रखा गया है और ये LED फ्लैश के साथ आता है तो सेल्फी में भी आपको फ्लैश मिलता है। अगर बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1.0 ओरियो मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड आपको इस मोबाइल के साथ मिलता है। काफ़ी अच्छी बात है, बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल आपको इस एंड्रॉइड के साथ मिल रहा है। अगर बात करते हैं मेमोरी की, तो इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज या फिर 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज दो मॉडल मिलेंगे और 3GB की रैम, 32GB की स्टोरेज मॉडल मिलेगा। अगर बात करते हैं इसका 6GB का जो वेरिएंट है वो अलग से लॉन्च किया गया है। 6GB के वेरिएंट में आपको जो कैमरा है वो 16+5 मिलेगा जबकि आपको नॉर्मल में 13+5MP का कैमरा मिलता है, और अगर आप 6GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 16+5MP का कैमरा मिलता है, लेकिन वो अभी पूरे ग्लोबल मार्केट में 6GB वाला लॉन्च नहीं किया गया है। तो 6GB में आपको 16+5MP का कैमरा मिलता है और फ्रंट में आपको 6GB में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जबकि आपको 4GB रैम वाले में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अगर बात करते हैं बैटरी की, तो इसके सबसे प्लस पॉइंट जो है वो है इसकी बैटरी। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, इसीलिए इस मोबाइल का नाम रखा गया है ZenFone Pro Max। तो ये मैक्स बैटरी परफॉर्मेंस आपको इस मोबाइल में मिलेगी और 5000mAh की आपको इसके बैटरी मिलती है। फिंगरप्रिंट की बात करें, तो ये पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट मिलता है क्योंकि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट पीछे की तरफ आपको इसमें दिया गया है। अगर बात करते हैं प्राइस की, तो ये मोबाइल फोन है आपको मिलने वाला है तकरीबन पाकिस्तान में, अगर बात करें, अगर लॉन्च होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लॉन्च नहीं होगा, पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो 30,000 से ऊपर लॉन्च होने वाला है। अगर इंडिया की प्राइस की बात करें, तो इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है जो कि 3GB वाले रैम की प्राइस है 11,000 रुपये और 4GB वाले रैम की प्राइस, 4GB रैम वाले के प्राइस है 13,000 रुपये। तो इंडिया में तो लॉन्च हो चुका है, काफ़ी अच्छी प्राइस इंडिया में रखी गई है। पाकिस्तान में तो ASUS के मोबाइल्स लॉन्च नहीं होते हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स क्योंकि इंडिया से भी देखते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के टारगेट रखने एम रखते हैं 10 लाइक्स का, तो आप लोग 10 लाइक्स इस वीडियो पर करवा दीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो पर आप लोगों ने 12 लाइक्स कर दिया, तो आप लोग मेरे टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, तो आप लोगों ने 12 लाइक कंप्लीट कर दिया। अब मैं 10 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, कम है टारगेट 10 लाइक्स का, तो आप ये भी कंप्लीट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।